हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नन्नी फूड। आज की हमारी रेसिपी है बिस्किट केक। इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए: एक पैकेट बिस्किट, 1 से 2 चम्मच मीठा सोडा, पिसी हुई चीनी, आधा कप दूध, 1 से 2 चम्मच तेल, चॉकलेट पाउडर। सबसे पहले बिस्किट को मिक्सी में डालेंगे और इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे जब तक कि ये बारीक ना हो जाए। अगर हमें चॉकलेट केक बनाना है तो हम उसमें चॉकलेट पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप बॉर्नविटा भी यूज़ कर सकते हैं। केक बनाना बहुत ही आसान है। हमने जो केक बनाने के लिए बेसिक चीज़ें चाहिए हमने वही यूज़ किए हैं। लीजिए, हमारा बिस्किट पिस चुका है। अब हम इसको एक डिब्बे में निकालेंगे। इसके बाद हम पिसे हुए बिस्किट पाउडर में पिसी हुई चीनी मिलाएंगे। इसे अच्छी तरह से इसमें मिलाएंगे। इसे अच्छी तरह मिलाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे और उससे भी अच्छी तरह से इसमें मिलाएंगे, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। ध्यान रहे, सारा दूध एक साथ नहीं मिलाना है, इससे हमारा पेस्ट ज़्यादा बारीक पतला हो जाएगा। हमें धीरे धीरे करके दूध को मिलाना है। हमें इसमें दूध थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाना है ताकि हमारा पेस्ट ज़्यादा पतला ना हो जाए। अब हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच मीठा सोडा डालेंगे और उसे भी अच्छी तरह से इसमें मिलाएंगे। मीठे सोडे को हम बहुत अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि ये पूरे पेस्ट में अच्छे से मिल जाए। यही केक को फुलाने में काम आता है। ये पेस्ट हमारा काफ़ी गाढ़ा है। अभी हम इसमें थोड़ा सा और दूध मिलाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब हमारा पेस्ट बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसे चॉकलेट केक कर सकते हैं और आप चाहें तो बॉर्नविटा यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बॉर्नविटा यूज़ किया है। इसमें बॉर्नविटा या चॉकलेट पाउडर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि पूरे पेस्ट में हमारा चॉकलेट फ्लेवर आ जाए। आप चाहें तो आप इसमें 2 चम्मच बटर भी यूज़ कर सकते हैं। जब आपने इसमें चीनी मिलाई थी उस टाइम पर आप बटर यूज़ कर सकते हैं 2 चम्मच। आप चाहें तो आप ड्राई फ्रूट को पीस कर उन्हें भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। लीजिए, अब हमारा पेस्ट पूरी तरह से बनकर तैयार है। जिस बॉल में हमें अब केक बनाना है, अब हम उसमें थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे ताकि केक उसमें चिपके नहीं। उसके चारों तरफ और उसके नीचे बेस में हमने जो पेस्ट तैयार किया है उसको हम इसमें डाल देंगे। इसे डालने के बाद आप इसमें गार्निशिंग के लिए ड्राई फ्रूट्स यूज कर सकते हैं, आप इसमें चेरी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान रहे, मैंने आपको सिर्फ वही चीज़ें इस वीडियो में दिखाई हैं जो कि हम बेसिक यूज़ कर सकते हैं केक बनाने के लिए। अब हम इसको माइक्रोवेव में रख देंगे केक बनाने के लिए 10 मिनट के लिए। इसे 10 मिनट ओवन में पकाने के बाद हम इसको बाहर निकालेंगे और इसमें चाकू को डालेंगे और देखेंगे कि ये पक गया है कि नहीं। अगर हमारा चाकू सही वापस बाहर आ जाता है, इसमें कुछ नहीं लगा, तो हमारा केक बनकर तैयार है। अगर इसके साथ कुछ आता है तो इसका मतलब अभी हम इसे और पकाएंगे। तो अभी हमारा केक बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम इसको डिश में डाल लेंगे। फ्रेंड्स, अब हमारा चॉकलेट बिस्किट केक तैयार है। फॉर मोर रेसिपीज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल नन्नी फूड। थैंक यू।